तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई देख लो, हम अपनी बाइक लेके आज NH24 पे आ चुके हैं। और भाई हम बन जा रहे हैं किसी काम से। और भाई यहाँ पे देखो एक अंकल मेहनत करते हुए, चलो इनकी मदद कर देते हैं। भाई इस समय देखो गर्मी तो नहीं हो रही, पर हाईवे के ऊपर भाई रिक्शा खींचना बड़ा मेहनत का काम है। तो भाई देखो मैं आपको बात बता दूं, जो भी मैं ये हेल्प करता हूँ ना, सिर्फ आप लोगों की वजह से है भाई, आप लोगों की वजह से। आप लोगों का एक सब्सक्राइब बटन ना बहुत हेल्प करता है भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। तो भाई रच के सब्सक्राइब करो, चैनल को बहुत सपोर्ट करो भाई, आप लोगों के ही सपोर्ट से सब कुछ है। और अब ये देखो ये अंकल मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, पर तुम्हारा भाई जा रहा है यहाँ से बिल्कुल सीधा, तो अंकल की पूरी मदद करेगा। तो भाई ये देखो ये अभी तो यहाँ पे ढलान आ गई है और यहाँ से अंकल अपने आप ही सुपरमैन बन गया। वो देखो आज की बेटे, तो चलो स्पीड अप करवाते हैं अंकल को। और ये देखो यहाँ पे हमारे जैसे एक और मदद करते हुए, कसम से मैं बता रहा हूँ भाई अंकल को ना, मतलब जिस हिसाब से पसीना आ रहा होगा ना, उस हिसाब से अंकल का पसीना एकदम ख़त्म हो गया होगा। मतलब समझ रहे हो, गर्मी इतनी है भाई, इतना पसीना निकल रहा है। और दिल्ली की गर्मी तो वैसे ही मार डालने वाली होती है भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब देखो भाई मेरे को तो यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है मेरठ की साइड पे। अब देखते हैं अंकल कहाँ तक जाएंगे, अंकल की मदद कर देंगे। और भाई देख लो NH24 है ये। तो भाई दिल्ली मेरठ हाईवे के अंदर बाइक ले जाने पे ना 20,000 रुपये का चलान है भाई, 20,000 रुपये का चलान। तो भाई ध्यान रखना, कोई भी अपनी बाइक गाड़ी बाइक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर अंदर लेके मत जाना। अगर आप एंटर करते हो और पकड़े गए तो भाई साहब उधर एक्सीडेंट हुआ होगा, बहुत बैड एक्सीडेंट भाई साहब। देख रहे हो अंकल का ठेला 40 की स्पीड पे चल रहा है भाई, बहुत सही है। तो भाई ये बाइक देखो हमने लीज ली है, ये तो मैं पहले भी ऐसे लोगों की मदद करता था, बट अब क्या है भाई लोगों में ना थोड़ा सा वो कर रहा है मोटिवेट के भाई मदद करते हुए ना सोचे ना कोई, यार हम नहीं करेंगे तो यार कौन करेगा। भगवान ने अच्छा है हमारे को दिया है मदद करने वाला, तो भाई हमारे को मदद करनी चाहिए। अब ये देखो ये अंकल को कितनी देर लगती यहाँ तक पहुँचने में, पर भाई मुझ जैसे और भी 2-4 जने होंगे, 5-10 जन लोग होंगे, अगर सारे मिलके भी हेल्प करेंगे ना तो भाई इनकी बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा। तो भाई देखो जब भी कभी मौका मिले ना करो यार, मदद करोगे तो भगवान भी भाई तुम्हारी मदद करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। तो भाई मेरे पैर दर्द हो गया मगर अब तो देखो अंकल धूम मचाते हुए जा रहे हैं हाईवे पे, पर ज़्यादा तेज भगा नहीं सकते ना भाई, पलट पुलट ना जाएगी, ये भी तो ध्यान रखना है भाई साहब। तो देखो ओला जा रहा, ओला आए ये हुई ना बातचीत, भाई ने पलट के देखा, भाई समझ गया यूट्यूबर है, छोटे से ही सही यार, छोटे ही सही, पर चलो आया तो सही। तो भाई देख लो दिल्ली नोएडा मेरठ हापुड़, अंकल सीधा जाओगे मुड़ोगे अंकल सीधा जाओगे मुड़ोगे सीधा जाओगे, चलो मैं भी साथ चलता हूँ भाई साहब। देख रहे हो अंकल कह रहे मैं सीधा ही जाऊंगा, तो भाई हम अंकल को सीधा ही ले चलेंगे अपने साथ। और आप ये देखना ये अंकल कहाँ तक जाते हैं अभी यार, वो देखो हाईवे के बीच में देख रहे हो भाई, ऐसे भी लंड होते हैं, दिख रहा है एक बंदा स्पीड में आ रहा है, बताओ उसके बाद ऐसे चूतियों की तरह बीच में देखता हुआ चल रहा है गणमरी का। अच्छा अंकल ने ब्रेक मार दिया, अंकल भी ब्रेक ले रहे हैं, अंकल हमारी मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं भाई कसम से यार, दुनिया में इतने लंड लोग हैं। वो देखो गाड़ी वाला बीच में आ गया, चलो कोई बात नहीं, हम है ना, हमारी रिवोल्ट है ना, तो क्या टेंशन है यार।
तो भाई देख लो, मेरे हिसाब से अंकल यहाँ तक आ चुके होंगे 5-6 किलोमीटर। अंकल भी देखो ब्रेक मार रहे, देख रहे हो, हल्का सा अगर आप ध्यान दोगे ना तो अंकल भी ब्रेक लेकर चल रहे हैं। ये चीज़ अंकल गलत कर रहे हैं, अंकल को हम ओवर स्पीड में ले जा रहे हैं क्या? चलो अंकल की एज भी तो जा रहा है यार, डर भी लगता है। ओ भाई पीछे से पॉर्श आ रही है, ओ भाई साहब देख रहे हो, अब अंकल ने ली ना थोड़ी स्पीड, अब ब्रेक छोड़ा अंकल ने। मजे से गाना सुनता हुआ चला रहा हूँ मैं तो भाई। ओयो भाई मेरी पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया यार, मेरा ही पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। चलो ऐसे कर लेते हैं, पैर को थोड़ा ना पास ले आते हैं। देख रहे हो भाई अंकल कहाँ से चले थे और कहाँ तक जा रहे थे, मगर एक बात है भाई अंकल ना बिल्कुल है स्टैचू होके बैठे हुए हैं, क्योंकि अंकल को डर भी बहुत लग रहा है। अंकल को ये लग रहा है कि मैं गिर गिर ना आ जा, हम गिरने नहीं देंगे अंकल को। देखो और ये लो भाई इधर से फाइनली अब ढलान आ जाएगी, देख लो भाई अंकल फाइनली पूरे मतलब 10 किलोमीटर तो आ ही गए हैं भाई। हाईवे पे ना एक्चुअली पता नहीं चलता ये कितना किलोमीटर तय कर लिया, पर नहीं सॉरी 5 किलोमीटर तो अंकल आ ही चुके हैं, श्योर हूँ मैं 5 किलोमीटर अंकल आए हैं। और देख लो भाई पहली बात तो भाई देखो ये जो रिक्शा होते हैं ना ये हाईवे पे अलाउ नहीं होते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अगर अंकल जा रहे हैं तो भाई सबकी कोई ना कोई मजबूरी है। देख रहे हो देखो पीछे अगर आपको दिख रहा होगा ना पूरा पसीना सूख गया अंकल का, वो देखो हल्का हल्का सा रह रहा है। तो भाई समझ रहे हो दिल्ली में गर्मी कितनी है, अभी भी हमें सीधा जाना है, देखते हैं अंकल को कहाँ तक जाना। अच्छा अंकल कह रहे हैं अभी रुक जाओ, अभी मत देना बढ़ जाऊँगा मैं। अच्छा नीचे जाना है, सीधा जाना है अंकल अच्छा चलो भाई, तो मदद करते रहने चाहिए भाई ऐसे। भाई अपनी बैटरी जो है 87 आ चुकी है, चलो जल्दी करके चलते हैं।